नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में जो बनाने का मकसद है, या वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ, और मतलब मैं ईस्ट चंपारण से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वेस्ट चंपारण मेरे घर से 20-22 किलोमीटर दूर है, और नरकटियागंज कैंप भी मेरे घर से नज़दीक ही है। तो नरकटियागंज में 44 बटालियन SSB का जो है ना, मतलब एक कैंप है। इस कैंप में बहाली हो रहा है SSB कम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल, SSB सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल, मतलब जो भी बहाली हो रहा है ना, 1600 से ज़्यादा पोस्ट पे वैकेंसी आया था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट के आउट ऑफ बिहार लोगों का सेंटर दे दिया है, जैसे कि यहाँ पे मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। तो आपको इस नरकटियागंज स्टेशन पे सबसे पहले आना है। नरकटियागंज स्टेशन पे आने के लिए आपको क्या करना है ना, कि अगर आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन से नरकटियागंज का ट्रेन नहीं मिल रहा है, तो आपको सबसे पहले आपको आ जाना है मतलब गोरखपुर से 149 किलोमीटर है, या मुजफ्फरपुर से 160 किलोमीटर है। यानी कि मुजफ्फरपुर और गोरखपुर के बीच में नरकटियागंज स्टेशन पड़ता है, जो कि वेस्ट चंपारण का सबसे बढ़िया रेलवे स्टेशन में से एक है। नरकटियागंज स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से अभी आप जो मेरे पीछे प्लेटफॉर्म के पीछे आप वहाँ पर ओवरब्रिज देख सकते हैं, इस ओवरब्रिज को पकड़ के जो है ना, आपको नरकटियागंज SSB कैंप जाना है। तो आप अब चलिए आगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि नरकटियागंज स्टेशन से आपको कैसे जाना है और वहाँ पे रहने की क्या व्यवस्था है। जो भी आगे मुझे अपडेट मिलेंगे वो सब की अपडेट। ये नरकटियागंज स्टेशन पे 3 नंबर और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे अभी मैं खड़ा हूँ। आप देख रहे थे कि जैसे पिछला मैं वीडियो फेस रिवील वाला बना रहा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बरसात हो रही थी, मैं भीग भी रहा था। तो भीगने के कारण जो है ना, मैं सोचा कि क्यों ना ओवरब्रिज के नीचे खड़ा होकर वीडियो बनाया जाए। तो ये देखिए, ये नरकटियागंज 3 और 4 है, और उधर जो है ना वो 1 और 2 है। तो 1 और 2 प्लेटफॉर्म के बीच में जो है ना, टिकट काउंटर बनाया गया है। तो अगर आप, जैसे कि मैं आपको बताया कि गोरखपुर से दूरी और मुजफ्फरपुर से दूरी, अभी मैं ओवरब्रिज के ऊपर चढ़ चुका हूँ, तो मुजफ्फरपुर से अगर आप आते हैं ना, जैसे आप भारत के किसी कोना से आते हैं, तो मुजफ्फरपुर को आपको आने के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएगी, गोरखपुर भी आने के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। तो वहाँ तक आइए, और वहाँ से मुजफ्फरपुर या गोरखपुर दोनों जगह से लोकल ट्रेन चलती है। मुजफ्फरपुर से 160 किलोमीटर की दूरी है, और गोरखपुर से जो है ना 149 किलोमीटर की दूरी है। अगर ये देखिए, ये टिकट प्रतीक्षालय है। अगर आप चाहें कि हम वहाँ पे रूम नहीं लें, यहीं पे रुकें, तो यहाँ से यानी कि प्लेटफॉर्म से जो है ना, मात्र 1.5 किलोमीटर की कैंप की दूरी है। तो कैंप भी मैं आगे आपको चल के दिखाऊंगा कि किस किस रास्ते से कैंप जाना है। तो यहाँ पे अगर आप रुकना चाहें तो रात में आप रुक सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे नहीं रुकें, तो आगे चलिए। आप टेम्पू पकड़ के जाना है कि पैदल जाना है, वो सब रूट भी मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि जो जो मतलब मैं आपको, जैसे मैं वहाँ का लोकल हूँ, तो मैं जानता हूँ वहाँ की लैंग्वेज और वहाँ की कल्चर। इस ओवरब्रिज जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी ओवरब्रिज से आपको कैंप जाना है। तो इस ओवरब्रिज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आप मुजफ्फरपुर की तरफ से आएंगे तो इस ओवरब्रिज को क्रॉस करते हुए आएंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आप देखिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर प्लेटफॉर्म को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ना, मतलब देखने का मिलेगा, इस तरह का फेस आपको देखने का मिलेगा। अब यहाँ से जो है ना, ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, यही रास्ता एक छोटा सा रास्ता है, जो अगर बरसात हो जाती है तो खींचखाच भी हो जाती है। यही रास्ता हमको पकड़ के अब आगे, इस रास्ता को पकड़ के लेके चलना है। तो चलिए, मैं इस रास्ते से जो है ना, जब मैं आगे बढ़ूँगा, तो आगे बढ़ने के बाद मेरे साथ जो जो भी मतलब समस्या आती है, या जो जो मतलब आपको दिखाने लायक व्यू है, वो सब व्यू मैं आपको दिखाऊँगा, ताकि इस व्यू से आपको सही से पता चल सके। इसमें मैं अपने तरफ से जो है ना, आपकी पूरी मदद करने का कोशिश करूंगा, एक सीन भी मिस करने का कोशिश जो है ना, अपने तरफ से मैं नहीं करूंगा। अब आप जैसे ही वहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो आपको मोटरसाइकिल स्टैंड दिखेगा। इस स्टैंड के बगल में आपको रास्ता दिखेगा, उस रास्ते को आपको पकड़ के जो है ना, ओवरब्रिज की तरफ जो है ना बढ़ना है। अब जैसे ही देखिए, मैं आपको ओवरब्रिज दिखाता हूँ। देखिए, ये रहा ओवरब्रिज, आपको इस रास्ते से जाना है, और इधर से जाके लेफ्ट टर्न लेके और ओवरब्रिज के ऊपर चढ़ जाना है। और ऊपर चढ़ने के बाद जहाँ अभी कैमरा का फोकस है ना, उधर ही आपको बढ़ना है। यानी कि जाना है लेफ्ट लेके, और फिर जो है ना, इधर से देखिए, ये ओवरब्रिज का रास्ता है, और यहाँ से आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको टेम्पू मिल जाएगी। नरकटियागंज स्टेशन पे उतरने के बाद आपको जो है ना, एक ओवरब्रिज दिखाई देगा, जो कि फुट ओवरब्रिज है। उससे आगे बढ़ेंगे तो एक रोड वाली ओवरब्रिज दिखाई देगा। उस ओवरब्रिज जहाँ पे शुरुआत होती है या जहाँ पे ख़त्म होती है, यानी कि ओवरब्रिज जहाँ पे गिर रही है ना, वहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे टेम्पू लगी है, और बहुत सारी टेम्पू जो जिसको ऑटो बोलते हैं वो चल रही है। यहाँ से 10 रुपये किराया है, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है नरकटियागंज 44 बटालियन SSB कैंप। तो यहाँ से आप 10 रुपये में किराया लगा के कैंप तक जा सकते हैं। मतलब कैंप और जो स्टेशन है ना, उसके बीच में बस इतना ही दूरी है कि एक ओवरब्रिज आपको चढ़
चढ़ के और पूरा ओवर ब्रिज जो है जहाँ से शुरुआत होती है और जहाँ ख़त्म होती है। तो अभी हम ओवर ब्रिज जो है ना लगभग ओवर ब्रिज के मतलब 20-30% 40% तो चढ़ ही चुके हैं। तो हम क्यों ना हम जो है टेम्पो पकड़ सकते थे, लेकिन हम पैदल इसलिए जा रहे हैं ना ताकि आपको पूरा व्यू दिखा सके। अब देखिए ओवर ब्रिज के एकदम जो मिड पॉइंट होता है ना बीच में हम आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको ओवर ब्रिज एक राइट दे जाएगी रास्ता और एक लेफ्ट जाएगी, तो हमको लेफ्ट वाली रास्ता जो है ना वो पकड़ लेना है, यानी कि ये वाला रास्ता पकड़ लेना जहाँ से ये लेडीज जा रही है। और इसी रास्ते से जो है ना हमको सीधा 1 किलोमीटर जाना है और हम कैंप तक चले जाएंगे, यानी कि 300-400 मीटर तो हम ट्रैवल करके आए थे। देखिए ये ट्रेन जो है ना ये ट्रेन अभी ओवर ब्रिज के एकदम बीच में हम खड़े हैं, मतलब छत पे ओवर ब्रिज का जो मिड पॉइंट होता है ना ऊपर वहां पे खड़े हैं। ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से आ रही है और गोरखपुर की तरफ जा रही है। देखिए ये जो है हो गया मतलब जहां पे देखिए ये जो हो गया इधर की साइड दाहिने साइड जो है ना ये मुजफ्फरपुर से आती है रेलवे ट्रैक, और जो ये लेफ्ट साइड है जहां पे ट्रेन जा रही है नरकटियागंज स्टेशन पे रुकेगी और फिर वहां से रुकने के बाद ये वाल्मीकि नगर बगहा ये सब होते हुए जो है ना गोरखपुर की तरफ जाएगी। और यही रास्ता पकड़ के हमको जो है ना कहाँ जाना है तो कैंप तक जाना है। तो चलिए आगे जो है ना कैंप तक जाने में क्या क्या करना पड़ता है ये मैं आगे आपको फिर दिखाता हूँ कि कैसे किस रास्ते से जाना है या वहाँ पे रूम की क्या व्यवस्था है। जो भी मतलब मेरे साथ आती है बात होगी वो सब बात मैं आपको दिखाऊंगा और पूरी प्रोसेस समझाऊंगा। अभी हम नरकटियागंज SSB कैंप के ठीक सामने खड़े हैं। नरकटियागंज जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे 29 सितंबर 2023 से SSB हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का फिजिकल चल रहा है, जो कि मतलब SSB कम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन था, SSB सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन था, SSB ट्रेडमैन था, SSB असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था। सभी वैकेंसी मिलाकर लगभग 1600 पोस्ट पर वैकेंसी निकाले गए थे। इसे सभी वैकेंसी में जो है ना मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग पोस्ट निकाले गए थे और स्टेट वाइज पोस्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया था। तो SSB कम्युनिकेशन का जो फिजिकल है वो 29/9 से स्टार्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नरकटियागंज कैंप के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है दुकान है और ये देखिए दुकान के बगल में यहाँ पे आपको रूम भी मिल जाएगा। और अगर आप कुछ ख़रीदना चाहें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, स्टिंग हो गया, रेड बुल हो गया, तो ये इधर मिल जाएगा। अगर आप खाना खाना चाहें तो उधर खा सकते हैं, क्योंकि मैं अभी सेल्फी कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ ना तो इसे उल्टा आ रहा होगा। और देखिए ये बस सामने आप SSB कैंप देख सकते हैं और सामने इसके जस्ट बगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दुकान हो गया। यहाँ पे आप कोई भी सामान अगर परचेस करना चाहें तो यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और देखिए जो SSB कैंप का जो मतलब फिजिकल है इसमें एक दिन में कम बच्चों को बुलाया जा रहा है ना, इसीलिए लगभग बच्चे आपको अभी भीड़ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज गांधी जी का जयंती है इसलिए आज छुट्टी है, तो आज जो है ना बहाली नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप आइए, अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये में अच्छे कमरे मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको अगर लाइन चली भी जाती है तो बस आप बिहार नाम से घबराइएगा नहीं। अगर आप किसी भी आउट ऑफ स्टेट बिहार से आते हैं जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी मतलब पंजाब, इधर हरियाणा इस जगह से आते हैं, तो आप घबराइए नहीं कि हम बिहार में जा रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा ये सब बात से आप दिक्कत ना लीजिए। आप आइए यहाँ पे, आपको सब चीज़ व्यवस्था मिल जाएगा। और चलिए मैं आपको अब जो है ना आपको रूम दिखा देता हूँ कि रूम का व्यवस्था जो है वो कैसा है। कि हम 44 बटालियन SSB कैंप जो कि नरकटियागंज में है उसी के जस्ट सामने एक भैया का रूम है, काफ़ी अच्छे भैया हैं। ये 150 रुपये में इनका किराया है रूम में और एक बेड पे एक आदमी होता है और आराम से आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इसके नीचे देख सकते हैं वहाँ पे जो है उधर वहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये होटल हो गया, और इसके जस्ट सामने जो अभी आप मेरे सामने गेट देख रहे हैं ये SSB कैंप हो गया। ये 44 बटालियन है जो कि बिहार के वेस्ट चंपारण नरकटियागंज में पड़ता है। ये भैया का यहाँ पे रूम है। अगर आपको कोई भी रूम चाहिए यहाँ पे 100 रुपये में किराया मिल जाएगा और 150 रुपये में, 100 रुपये में एक बेड पे दो आदमी और 150 रुपये में एक बेड पे दो आदमी, इसमें भी दो आदमी रहेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मैं आपको ये घर भी दिखा देता हूँ कि कैसा घर है इसमें और बेड की कैसी सुविधा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भाई लोग भी सोए हुए हैं, यहाँ पे ये आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी दूर से आए हुए लगता है ऐसा, क्योंकि जो नरकटियागंज में कैंप जो है ना वो काफ़ी दूर दूर के बच्चे को भी दे रखा है, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ ये इसका बेड है जो कि यहाँ पे बच्चे आके यहाँ पे आराम से ठहर सकते हैं, और इसमें बाथरूम की व्यवस्था है, नीचे होटल की भी व्यवस्था है, सभी चीज़ की व्यवस्था है, इसमें कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप पैसे खर्चा करना नहीं चाहते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पैसा खर्चा करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं A to Z चीज़ आपको सुविधा जो है वो मिल सकती है। और ये जो है ना ये कैंप के जस्ट बाहर जो कैंप है ना उसके जस्ट ठीक सामने बाहर निकलेंगे और छत पे चढ़ेंगे, नीचे दुकान है और छत पे इनका रूम है।
ये जो रूम था ये 150 रुपये का था, तो मैं इससे नीचे उतर गया और उनसे पूछा कि 100 रुपये का कोई रूम है क्या, तो वो बोले हाँ मेरा एक और घर है वो 100 रुपये में मिलेगा। तो चलिए मैं उस घर को दिखाता हूँ कि उस घर में क्या क्या फैसिलिटी है जिसका किराया 100 रुपये है। उस घर की तरफ मैं बढ़ चुका हूँ, उस घर के ठीक सामने अभी मैं पहुँच चुका हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी कैंप दिखाई दे रहा है। पिछली घर जो मैं दिखाया था वो तो कैंप के ठीक सामने है, लेकिन ये घर जो है ना ये 20 मीटर के आसपास, 20 मीटर से 30 मीटर उस कैंप से दूर है। आप देख सकते हैं अभी एग्जैक्ट आपको दूरी दिखाई दे रहा होगा। और चलिए मैं आपको जो है ना घर के मकान मालिक और घर के कॉन्टेक्ट नंबर से मिलाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक भैया है, इन्हीं के रूम में देखिए यहाँ पे ठहरने का बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर लिखा है, अगर आप किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट करना चाहें तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम इनके घर में दिखाते हैं कि किस तरह का व्यवस्था है। देखिए अभी हम थोड़ी देर में इनके अंदर रूम में जहाँ पे रुकने का व्यवस्था है वहाँ पे हम दिखाते हैं कि रूम के साथ साथ आपको कितना किराया देना होगा और कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी। आप देख सकते हैं ये जो है ये एक रूम है, ये बैचलर के लिए काफ़ी बढ़िया रूम है। आप इसमें देख सकते हैं एक बेड पे आप लोग 2 आदमी सोएंगे और कोई भी प्रकार का दिक्कत होगा तो किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो आप निधड़क मकान मालिक से बोलिएगा, वो दिक्कत का समाधान वो 5 मिनट में करके आपको देंगे। और इधर आइए देखिए, अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये वेसिंग है, यहाँ पे आप हाथ धो सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं सुबह सुत के उठने के बाद। और ये भी रूम है, इसमें भी एक बेड पे 2 आदमी सोएगा, 1 आदमी का किराया 100 रुपया है। और यहाँ पे ये कल है, और यहाँ पे देखेंगे सामने में, तो सामने में आप देखिए यहाँ पे सामने में ये शौचालय है जहाँ पे आप जाके सुबह में फ्रेश हो सकते हैं बाहली में जाने से पहले। और ये भी एक हॉल जैसा रूम है, यहाँ पे भी एक कैंडिडेट सोएंगे, एक बेड पे 2 कैंडिडेट सोएंगे। और इधर देखिए, मगर अगर कोई कैंडिडेट मतलब नहीं आता है तो आप 1 आदमी सो सकते हैं, लेकिन अगर आता है कैंडिडेट तो एक बेड पे 2 आदमी। ऊपर में पंखा लगा हुआ है, पूरी जनरेटर की लाइन की सब चीज़ की व्यवस्था है। और इधर में आएंगे आप, थोड़ा रूम से बाहर निकलेंगे और इधर में आएंगे तो देख सकते हैं, इधर देखिए फ्रेश होने के लिए आपको बाथरूम मिल जाएगा। और बाथरूम के साथ साथ जो है ना आप देख सकते हैं इधर भी शौचालय की सुविधा है। तो इस तरह का नरकटियागंज कैंप में आप 100 रुपये में एक रात जो है ना आसानी से गुजार सकते हैं। अगर आप एक रात गुजारना चाहें तो आप 100 रुपये खर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी। और कैंप के जस्ट बाहर इन्हीं का भी एक रूम है जहाँ पे आप 150 रुपये में रह सकते हैं, और वहाँ पे जस्ट नीचे आपको दुकान मिल जाएगा और दुकान के जस्ट बगल में जो है ना आपको होटल मिल जाएगा। चलिए मैं आपको अब वो दुकान भी आपको दिखा देता हूँ कैंप के जस्ट बगल से चलते हुए, और वो दुकान भी दिखा देता हूँ कि दुकान में किस तरह का व्यवस्था है और क्या क्या बिकता है। देखिए ये कैंप के ठीक सामने अभी हम पहुँचने वाले हैं, और कैंप के ठीक सामने पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं ये जो है ये इनका दुकान है, ये इनका एक और रूम है, ये इनका दुकान है। और ऊपर में भी कमरा है, जो कि कमरा मैं आपको दिखाया ही हूँ कि वो कमरा में आप किस तरह से रह सकते हैं। इसका किराया जो है वो 150 रुपये है। यहाँ पे आप अगर चॉकलेट बिस्कुट खाना चाहें तो ये सब तो आप आसानी से खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कैंडिडेट्स भी खड़े हैं जो कि काफ़ी दूर से आए हैं, क्योंकि इस बार की जो बहाली है ना वो काफ़ी दूर दूर की कैंडिडेट्स को दे दिया है। और ये दुकान, और दुकान के जस्ट सामने अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 44 वाहिनी यानी कि 44 बटालियन SSB कैंप, जो कि बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट नरकटियागंज शहर में पड़ता है। यहाँ पे आप आएंगे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे हमेशा तत्पर रहेंगे किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए। आप इनसे एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए उस मोबाइल नंबर पर, और पूरी तरह से बात कर सकते हैं कि कैसे आना है यहाँ तक, और आने की पूरी डिटेल्स ये लोग आपको बता देंगे। अब तक तो जो भी मैंने बात बताया वो बात थी कि यहाँ तक कैसे आना है और यहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है और खाने की क्या व्यवस्था है। अगर अब बात करें तो यहाँ पे अगर आपका बहाली कभी भी किसी भी डेट को है तो आप एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा, और ये सब लेके आपको बहाली में जो है ना आना है। चलिए वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।